शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 पीएम पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 पीएम के 5 का तड़का में आपको बिहार के टॉप 5 यादव नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल 5 पीएम को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा पाएं। बिहार में यादव जाति की आबादी सबसे अधिक बताई जाती है। यह जाति राजनीतिक रूप से काफी मजबूत भी मानी जाती है। लगभग 3 दशकों से इस जाति का जनाधार लालू यादव के साथ रहा है। जनाधार वोट आरजेडी के साथ है, हालांकि आरजेडी से इतर बाकी पार्टियां और उनमें शामिल यादव जाति के नेता उस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। यही वजह है कि यादव जाति के नेताओं को टिकट देने में हर पार्टी आगे रहती है। तभी तो बिहार में हर चौथा विधायक इसी जाति से आता है। वही यह कौम लालू यादव को मसीहा भी मानता है। ऐसे में आज 5 पीएम के 5 का तड़का में हम उन टॉप 5 यादव नेताओं के बारे में बात करेंगे जो इस जाति के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। समाज में इनका काफी प्रभाव और रुतबा है। 5वें नंबर पर सुरेंद्र यादव का नाम है। बिहार के टॉप 5 यादव नेताओं की लिस्ट में 5वें नंबर पर है सुरेंद्र यादव। ये बेलागंज से विधायक है और जहानाबाद से सांसद भी रहे। इन्हें यादव मगध सम्राट भी कहा जाता है। ये लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। 1991 के संसदीय चुनाव के दौरान सुरेंद्र यादव उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गए जब इन पर एक पूर्व विधायक जय कुमार पलित को पीटने का आरोप लगा। इस पिटाई के कारण विधायक को काफी चोटें आई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद सुरेंद्र यादव दोबारा तब चर्चा में आए जब इन्होंने संसद में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हाथों से महिला आरक्षण बिल की कॉपी लेकर भरी सभा में फाड़ दी थी। जब भी संसद के अशोभनीय दृश्यों की बात होती है तब उस समय का वीडियो क्लिप जरूर चलाया जाता है। इन पर 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है जिसमें हत्या के प्रयास से लेकर अन्य कई संगीन मामले शामिल हैं। इसके बावजूद ये अपने लोगों का विशेष ख्याल रखते हैं, किसी भी संकट में तुरंत पहुंच जाते हैं। अपने इलाके के वोट बैंक पर भी जबरदस्त पकड़ है इनकी, इसलिए ये 1990 के बाद से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। 2020 में भी ये आरजेडी के टिकट पर विधायक बने। इस दौरान सुरेंद्र यादव 13 माह के लिए सांसद भी बने। 4वें नंबर पर नाम है जयप्रकाश नारायण यादव का। आरजेडी के कद्दावर नेता है। लालू यादव के पुराने साथी रह चुके जयप्रकाश यादव आरजेडी में कई अहम जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इनकी लोकप्रियता के साथ ही पूर्वी बिहार के कई इलाकों में आज भी इनका प्रभाव कायम है। एक समय था जब मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर समेत अन्य जिलों में इनका काफी प्रभाव था। पूर्व बिहार से सटे झारखंड के बॉर्डर वाले इलाकों में भी इनकी लोकप्रियता बरकरार रहने की वजह से ही इन्हें झारखंड आरजेडी का भी प्रभारी बनाया गया। लालू फैमिली में भी इनके विचारों को तरजीह दी जाती है। 1980 में जब इन्हें लोकदल से हवेली खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला था तब ये पीजी कर चुके थे और लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। पहली बार में ही विधायक बन गए। हालांकि 1985 में ये नहीं जीत पाए, लेकिन 1990 से ये फिर लगातार 3 टर्म तक विधायक बने। कुल 4 टर्म विधायक रहने के बाद 2 बार सांसद भी बने। पहली बार 2004 में मुंगेर से तो दूसरी बार 2014 में बांका से इन्हें जीत मिली। 1990 से सन 2000 तक बिहार में तो 2004 में केंद्र में मंत्री बने। लालू यादव से नजदीकी रहने के कारण ही इन्हें बिहार और केंद्र दोनों जगहों पर मंत्री का पद मिला। दरअसल जयप्रकाश नारायण यादव के नाना शुक्रदास यादव फ्रीडम फाइटर के साथ ही अंतिम सांस तक मुखिया और प्रमुख पद पर काबिज रहे। उनका सानिध्य पाकर ही जयप्रकाश नारायण यादव ने भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, छात्र आंदोलन में शामिल हुए और फिर पॉलिटिक्स में अपना करियर बना लिया। आज भी इनका प्रभाव अपने इलाके में वैसे ही कायम है। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर कौन है यह बताने से पहले हम चलते हैं साल 1990 में। उस समय देश में मंडल कमंडल की राजनीति चरम पर थी। आरक्षण के मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की थी। कई राज्यों से होते हुए 30 अक्टूबर को इसे अयोध्या पहुँचना था।
चारों ओर राम नाम की गूंज शुरू हो गई थी। देश का माहौल बदलने लगा था। ऐसे में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि वे आडवाणी के रथ को गांधी सेतु पार नहीं करने देंगे। उस समय लालू यादव को चुनौती देने वाले जिस नेता का नाम तेजी से उभरा था वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। नाम है नित्यानंद राय। 1990 में नित्यानंद राय महज 23 साल के थे। इतनी कम उम्र में नित्यानंद राय ने लालू यादव को तगड़ी चुनौती दी थी। उस वक्त महापंचायत बुलाकर ऐसा जन समर्थन जुटाया कि लालू सरकार आडवाणी का रथ हाजीपुर में रोकने का साहस ही नहीं जुटा पाई। यही नहीं, सरकार को सीधे चुनौती देते हुए नित्यानंद राय ने हाजीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की जनसभा भी करवा दी। बीजेपी में बेखौफ और निर्भीक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान बना चुके नित्यानंद राय की राजनीति सफर की शुरुआत एबीवीपी के साथ हुई। 2000 में बीजेपी के टिकट पर हाजीपुर से विधायक चुने गए और लगातार 4 बार अपनी सीट पर कायम रहे। सन 2014 में इन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। 2014 और 2019 में ये उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार सांसद बने। आज अपने कद्दावर कद की वजह से ही नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर काबिज है। नंबर 2 पर नाम है जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव का। इन्होंने राजनीति में कदम रखने से पहले ही बाहुबली के रूप में अपनी छवि बना ली थी। राजनीति में इनकी पहचान 1990 में बनी जब ये सिंहेश्वर स्थान से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधायक बने। इसके बाद फिर कभी इन्होंने पलट कर नहीं देखा। पप्पू यादव बहुत कम समय में कोसी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल जैसे सीमांचल के इलाकों में काफी लोकप्रिय हो गए। उस समय बिहार में लालू यादव अपने राजनीतिक जीवन के उत्थान पर थे। उस समय जिस व्यक्ति ने लालू यादव के मिशन को सफल होने में सबसे अधिक मदद की वह थे पप्पू यादव। यही कारण था कि एक समय पप्पू यादव खुद को लालू यादव का उत्तराधिकारी भी मानते थे। यह बात अलग है कि उनकी यह मंशा कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन ये अपनी लोकप्रियता की वजह से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 1991, 1996 और 1999 में 3 बार पूर्णिया और आरजेडी के टिकट पर 2 बार 2004 और 2014 में मधेपुरा से सांसद बन चुके हैं। पप्पू यादव 16वीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सांसद भी रहे हैं। पप्पू यादव ने 17 साल से भी अधिक समय तक जेल में बिताया। ये खुद को विद्रोही और गरीबों दलितों का मसीहा कहते हैं। जनता के बीच रहना इन्हें पसंद है। मदद के लिए गुहार लगाने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी विचारधारा का हो वह इनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता है। ये बिहार के रॉबिन हुड के नाम से भी जाने जाते हैं। जब पटना जल जमाव में डूब गया था तब इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तन मन धन से लोगों की मदद की थी। हालांकि पप्पू यादव कई पार्टियों से होते हुए अब खुद की पार्टी के सर्वे सर्वा है और इनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव। लालू यादव ने भी अब तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। यदि पार्टी की बागडोर जल्द ही तेजस्वी के हाथों में सौंप दी जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे तेजस्वी यादव हैं तो अभी महज 32 साल के ही, लेकिन इनकी राजनीतिक महफिल में एक से बढ़कर एक दिग्गज शामिल है। तेजस्वी का जन्म 10 नवंबर 1989 को हुआ था। राजनीति में कमाल के दांव पेच खेलने वाले तेजस्वी यादव को पहले क्रिकेट से लगाव था। ये लोकल क्रिकेट में चौके छक्के लगा चुके हैं। जब ये 19 साल के थे तब इनका आईपीएल के लिए चयन हुआ था। ये 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा भी रहे। हालांकि इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में खेल में अपना भविष्य नहीं देखकर इन्होंने राजनीति में एंट्री की। 2015 में महागठबंधन के बैनर तले राघोपुर से आरजेडी ने इन्हें मैदान में उतारा। अच्छे खासे वोट से जीत भी गए। उस समय महागठबंधन में जेडीयू भी शामिल था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लालू यादव के साथ ही नीतीश कुमार का सानिध्य पाकर ये और अधिक निखर गए। 2017 में जब महागठबंधन की सरकार गिर गई और नीतीश एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री बने तब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनकर राजनीति में सीएम के पैरेलल आ गए।
सड़क से लेकर सदन तक इनकी राजनीतिक धार देखते ही बन रही है। इसके यादव वोट बैंक पर कितनी अधिक पकड़ हो गई है यह 2020 के चुनाव में देखने को मिला। तेजस्वी ने 2020 का चुनाव लालू यादव की अनुपस्थिति में लड़ा। इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई और बिहार में आरजेडी को नंबर वन की पार्टी बना दिया। सबसे अधिक आरजेडी के ही विधायक जीते। आज भी ये बिहार में महागठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज है। अब तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी कह दिया है कि यही हमारा उत्तराधिकारी है। लालू ने तो यह भी कह दिया कि बिहार के लोगों ने तो तेजस्वी को सीएम मान ही लिया है। इसके साथ ही यादव बिरादरी ने भी अब तेजस्वी को अपना नेता मान लिया है। हालांकि तेजस्वी का कहना है कि मैं A to Z का नेता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।